हाँ जी भाई लोग, तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया सब। तो भाई आज सुबह हमें पबजी में एक न्यू ऑप्शन देखने को मिली है जिसका नाम है अनरैंक्ड क्लासिक। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमें ऑप्शन देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में आपको इसी ऑप्शन के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई अनरैंक्ड क्लासिक में आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी, दोनों चीजें लिमिटेड टाइम के लिए है। पहली चीज अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और दूसरी चीज आपको इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। है भाई, एक्चुअली अनरैंक्ड क्लासिक एक इवेंट है जो कि 14 दिनों के लिए चलने वाला है। आज से स्टार्ट है, यानी कि 7 तारीख से स्टार्ट है और 21 तारीख को यह खत्म हो जाएगा। तो भाई अनरैंक्ड क्लासिक का मतलब ये है कि अगर आप इसमें मैच खेलते हैं तो आपका जो रैंक है, जो टियर है, वो ना ही बढ़ेगा और ना ही कम होगा, और साथ में ही आपकी जो केडी है वो भी ना ही बढ़ेगी और ना ही कम होगी। अगर आप मैच में जाते ही किल हो जाते हैं तो आपका रैंक और केडी माइनस नहीं होगी। अगर आप मैच में किल कर लेते हैं, अच्छे खासे किल कर लेते हैं और चिकन डिनर कर लेते हैं, वहाँ पर आपकी केडी भी प्लस नहीं होगी और आपका जो रैंक है वो भी प्लस नहीं होगा। ये इवेंट उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है जो एशिया सर्वर में अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं विदाउट एनी हाइपिंग। तो भाई ये काफी अच्छा इवेंट है। अनरैंक्ड क्लासिक का एक और रूल है, आप अपनी मर्जी से कोई भी मैप नहीं खेल सकते हैं, आपको जस्ट रैंडम सिलेक्ट करने पड़ेंगे। उसमें आपको कोई भी मैप खेलने को मिल सकता है, कैंडी मिल सकता है, आपको सैनक मिल सकता है, रेंगल मैप मिल सकता है, आपको कोई भी रैंडम मैप खेलने को मिल सकता है। आप अपनी मर्जी से कोई भी मैप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जितनी बार भी आप ये मैच खेलेंगे आपको अलग अलग मैप खेलने को मिलते रहेंगे। किसी मैच में आपको रेंगल खेलने को मिल जाएगा, किसी मैप में आपको सैनो खेलने को मिल जाएगा, किसी मैप में आपको विकेंडी खेलने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको प्रूफ दिखाता हूं और आपको खेल के दिखाता हूं कि इसमें मेरा रैंक और केडी माइनस होती है या प्लस होती है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हमने मैच स्टार्ट कर लिया है। यहां पर हमको खेलने को मिला है विकेंडी मैप, तो हम जाते ही मर जाते हैं, देखते हैं और हमारी केडी और जो हमारा रैंक है वो प्लस होता है या माइनस होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जाते ही मर जाते हैं और रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पे सब कुछ 0-0 है, आपकी केडी भी 0 है, ना ही बढ़ी है और ना ही कम हुई है, आपका रैंक भी 0 है, ना ही बढ़ा है ना ही कम हुआ है। तो भाई इसी तरह अगर आप अनरैंक्ड क्लासिक में खेलते हैं तो आपकी जो केडी है, जो आपका टियर है, वो ना ही माइनस होगा ना ही कम होगा। यहाँ पे आप दूसरे नंबर पे चीज देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वार्म अप मिशंस। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाले मिशंस आ जाएंगे। यहाँ पे आप पहला मिशन देख सकते हैं, 13 मिनट तक आपको मैच में रहना है, और दूसरा मिशन देख सकते हैं आपको 5 एनिमी किल करने हैं। इसी तरह आपको टोटल 5 मिशन मिल जाएंगे। अगर आप ये टोटल 5 मिशन कंप्लीट करते हैं तो आपको इसके बदले 40 वाइट मिल जाएगा। यानी इवेंट टोटल 7 दिनों के लिए चलने वाला है। अगर आप डेली ये 5 मिशन कंप्लीट करते हैं तो आपको हर रोज 40 पॉइंट मिल जाएगा और 7 दिनों का मिलाकर ये पॉइंट बन जाएगा 280 पॉइंट, और ये 280 पॉइंट सीधा आपके सीजन 14 के रैंक में ऐड हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो सीजन 14 में रैंक होने वाला है प्लैटिनम 4 का होने वाला है। तो अगर मैं ये 280 पॉइंट कमा लेता हूं तो जो मेरा सीजन 14 का रैंक है वो प्लैटिनम 2 का हो जाएगा, यानी कि वहां पे 3080 पॉइंट हो जाएगा। तो भाई इसी तरह आप भी 280 पॉइंट कमाकर आप सीजन 14 में आपके रैंक को थोड़ा सा बूस्ट दे सकते हैं, आपका रैंक बढ़ जाएगा। तो भाई ये भी चीज काफी अच्छी चीज है, 280 पॉइंट आपको फ्री में मिलने वाला है। अगर आप कम से कम 15 से 20 25 मैच खेलते हैं तो जाके आपके 280 पॉइंट प्लस हो जाता है। तो ये आपको रैंकिंग पॉइंट एक तरह के फ्री के मिलने वाले हैं, आप इसको छोड़िएगा मत। तो भाई इसी तरह ये दोनों चीजें काफी अच्छी चीज है, अगर आप इनको यूज करते हैं तो आपको काफी फायदा होने वाला है। तो भाई इसी तरह ये थी आपके सामने छोटी सी इंफॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।